मैम, सबसे पहले तो पप्पा घर पे आ चुके हैं। आने से पहले क्या तैयारियां की थी पप्पा के लिए, स्पेशल तैयारियां इस साल के लिए? इस साल मेरे चाचा को सब तैयारियां करनी पड़ी हैं क्योंकि मैं शूट कर रही थी। आज मुश्किल से मुझे एक दिन फ्री मिला है। आई हैव बीन शूटिंग मडाइलन में। मगर आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, और अपने देश का, अपने प्लैनेट का प्लीज़ ध्यान रखिए। मैं काम कर रही थी तो ज़्यादा तैयारी का मौका नहीं मिला, बट वैसे भी मैं ज़्यादा शो के लिए नहीं करती हूँ, मैं अपनी श्रद्धा के लिए करती हूँ। और मेरी मम्मी बोलती थी कि मूर्ति को छोटा रखो और श्रद्धा को बड़ा रखो, तो वो मैं एक चीज़ हमेशा फॉलो करती हूँ। हम लोग सालों से मिट्टी का गणेश करते हैं जिस पे हम कोई भी केमिकल कलर भी नहीं लगवाते हैं। जो गोल्ड भी है वो फूड कलरिंग है, और मेरा पूरा मिट्टी का गणेश है जो हम जिस वक्त उसको प्रवाहित करते हैं, हम लोग बाल्टी में करते हैं, नई बाल्टी में, और वो आप देखेंगे 10 मिनट में घुल जाता है। और फिर वो मैं मेरे प्लांट्स में, तुलसी में, उसी की मिट्टी डालती हूँ, और हमारे प्लांट्स भी पनपते हैं, और गणेश जी को भी श्रद्धा से, इज्जत से, प्यार से भेजती हूँ। किसी के आप समुंदर में डालते हैं, वहाँ पैरों में आते हैं वो, उनके जो बचा कुचा वापस वॉश होके आता है शोर पे। तो प्लीज़ मत करिए, अपने घर पे आप श्रद्धा से जो करना है मन से करिए, दिल से करिए, श्रद्धा से करिए, और अपने वातावरण को, अपने आसपास के जगहों को बचाइए प्लीज़। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही होने वाला है कि पोल्यूशन को बचाने के लिए जो है कुछ लोग सीमेंट की मिट्टी से मूर्तियां बनाते हैं और फिर उसे विसर्जन करते हैं, जो मूर्ति कभी कभी बाहर आ जाती है और किसी के पैर में आती है। कभी कभी नहीं, हमेशा बाहर आती है वो। जो आप प्लास्टर की बनाएंगे, दूसरे चीज़ों की बनाएंगे, वो कलर भी, आप हमारा समुंदर देखिए, आप बाकी जगहें जाइए जहाँ पे इतना पोल्यूशन नहीं है, जहाँ लोग विसर्जन और ऐसी चीज़ें पानी में नहीं डालते हैं, प्लास्टिक और बॉटल्स और ये सब, आप उधर का कलर देखिए पानी का, आप समझ जाएंगे कि हम अपनी प्लैनेट को किस तरीके से हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और हम सबके पास बच्चे हैं, हमारा फ्यूचर है। मद्रास में पानी ख़त्म हो गया है, बाढ़ें आ रही हैं सब जगह, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो हमें भी तो अभी काफ़ी साल जिंदा रहना है, हमारे बच्चों को बड़ा होना है, पनपना है। और अगर आपका आसपास ठीक नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब किसी तरीके की आप तरक्की नहीं कर सकते, आप खुश नहीं रह सकते, हेल्थ ख़राब होती है, हर चीज़ इफेक्ट होती है। मैम, ऑन अ लाइटर नोट, पप्पा आ चुके हैं घर में, क्या भोग, क्योंकि पप्पा को स्वीट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, तो आप लोगों को भी मोटा करने के लिए, आप लोग इतनी जगह घूमते हो, तो मैंने मिठाइयाँ सब, तो मोदक तो जैसे ट्रेडिशनल होता है वो तो आता ही है, और लड्डू, पप्पा को लड्डू पसंद है, तो हम मेरे घर पर मेरे बच्चों को मोतीचूर बहुत पसंद है, तो मोतीचूर हमेशा आता है, और कुछ ऑर्गेनिक कुकीज़ विद डेट्स, फ्रूट की, और ये सब चीज़ें आती हैं। इसके अलावा पापा जो है 1.5 दिन में विसर्जन हो जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना बुरा लगता है 1 साल का वेट करने के बाद पापा आते हैं? ऐसा बुरा नहीं, उनको हम प्यार से ही भेजते हैं, मुझे पता है कि उनकी छाया, उनका आशीर्वाद हमेशा रहेगा हमारे साथ, तो वो एक हमारी, जैसे मैंने बोला, हमारी, हमारे प्यार से इज्जत देने के लिए, उनको, उनको याद करने के लिए कि भाई हम आपको भूले नहीं हैं, इसलिए लाते हैं। बट मुझे पता है कि वो जब जाते हैं वो असल में अपना इतना कुछ छोड़ जाते हैं हमारे पास, इसलिए आज आप यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, काम कर रहे हैं, खुश हैं। इस बार क्या मांगा आपने पापा से? मैं चीज़ें, और मेरा जो धन है वो हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मैं मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए, जिनको मैं प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ हेल्थ और हैप्पीनेस मांगती हूँ। मैंने आज तक कभी नहीं बोला मुझे ये मिल जाए या ये फिल्म मिल जाए या इतने करोड़ मिल जाए, मैंने आज तक कभी भी, आई हैव नेवर पुट अ लेबल ऑन दैट। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो खुश रहेगा और जो स्वस्थ रहेगा वो कुछ भी कर सकता है। राइट मैम, आप प्रोफेशनली काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, अभी एक शो मतलब मैं आप कर रहे हैं विश जी, तो इसके अलावा नजर किया था उसके नजर पहले भी किया था जी, फैंस को थोड़ा सा वेट करना पड़ा था, लेकिन फाइनली हाँ, बस 2-3 महीने बाद बहुत जी, खुश है सब लोग, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? बहुत अच्छा लगता है, मैंने काफ़ी साल बाद काम स्टार्ट किया था विद 24 अनिल कपूर जी के साथ, उसके लिए मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला था एज बेस्ट एक्ट्रेस डेब्यू ऑन फॉर दादा साहब फाल्के। तो 24 में डॉक्टर का रोल था, बहुत अलग था, फिर मैंने इस प्यार को क्या नाम दूँ किया, उसमें बहुत ग्लैमरस और बहुत ही देवी जैसा रूप था, तो बहुत मज़ा आ रहा है, और मैं जो भी करती हूँ लाइक लगन से करती हूँ, तो मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा।
विश के बाद अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है, अपकमिंग प्रोजेक्ट? है दो तीन, एक वेब सीरीज भी है, दूसरा एक फिल्म की भी बात चल रही है, बहुत एक्साइटेड हूँ उसको लेके, अभी स्क्रिप्टिंग सेशन पे है बट इट्स ऑलमोस्ट फाइनलाइज, तो बप्पा की दया रही तो आपको अगले टाइम तक हम शायद ट्रेलर रिलीज करेंगे किसी चीज का। ओके मैम, थैंक यू सो मच। लास्टली हो जाए गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, नमस्कार, थैंक यू मैम, खुश रहिए। हो जाएगा इनके होने का, 1 सेकंड मैम। डन, एक सेकंड, एक सेकंड उसको करवाए। डन, होल्ड मैम, होल्ड। मैडम प्रसाद मैम भूख लगाते हुए एक शॉट दे दीजिए। हाँ हाँ, थैंक्स मैम, थैंक यू मैम, बाय। मैम सिर्फ एक लुक देना है यहाँ पे, थैंक यू। ओके मैम, सबसे पहले तो गणपति बप्पा मोरिया, बप्पा आ चुके हैं घर पे, क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटमेंट है आज के दिन के लिए स्पेशली? हम लोग पूरा साल वेट करते हैं कि वो आएँ और हमें आशीर्वाद दे के जाएँ, बहुत बहुत खुशी होती है। मैंने एक्चुअली पहली बार मेरे बच्चों के पैदा होने के बाद, मेरे पास जुड़वा है एक लड़का एक लड़की, तो उनके पैदा होते ही मैंने बोला था पापा आपको, उनको स्वस्थ और खुशी हमेशा खुश रखिए हमेशा, तो मैं आपको हमेशा सर आँखों पर घर लेके आऊँगी। तो 12 साल हो गए हैं और एवरी ईयर ही कम्स एंड ब्लेसेस अस। ओके, और हमने देखा कि बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है आपने, भोग इतने सारे थे, क्या क्या तैयारियाँ की थी आपने इस साल के लिए स्पेशली? इस साल मुझे एक्चुअली तैयारी करने का बिल्कुल मौका नहीं मिला, मगर मेरे चाचा हमारे साथ रहते हैं, वो पापा मम्मी के साथ हमेशा रहे हैं, तो मेरे वो फादर मदर की तरह हैं, तो इस साल सब उन्होंने प्रेपरेशन किया है। बस गणपति जी मैं हमेशा जो लाती हूँ घर पर वो मिट्टी का लाती हूँ, उसमें पूरा पूरी पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होता है, आप कलर भी देखेंगे तो हम कोई भी हानिकारक रंग और ये सब नहीं डालते हैं, जो गोल्ड भी है उनको एक फेस्टिव लुक देने के लिए वो फूड कलरिंग है, तो वो ईजिली डिसॉल्व हो जाता है, हम जब विसर्जन करते हैं उनको भेजते हैं घर से तो हम बाल्टी में डालते हैं और पानी में आप देखेंगे वो कुछ ही मिनटों में गल जाते हैं, और हम फिर मेरे प्लांट्स में और सब में उनकी मिट्टी थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पापा की ब्लेसिंग से आप प्रोफेशनली भी काफ़ी अच्छा कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे कि कितनी ब्लेसिंग मिली है आपको पापा से? मैं हमेशा एक चीज़ मानती हूँ जो मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से सिखाया है कि हिम्मत ए मर्दा और मदद ए खुदा, तो इंसान हिम्मत करेगा और मेहनत करेगा तो ऊपर वाला ज़रूर उसको सर उनका हाथ रहेगा सर पे, तो हाँ जी बहुत अच्छा टाइम रहा है, 2.5-3 साल से कर रही हूँ, पहले 24 किया अनिल जी के साथ, फिर इस प्यार को क्या नाम दूँ किया, फिर नज़र किया, अब विश कर रही हूँ, एंड कोई शिकायत नहीं है ज़िंदगी से या ऊपर वाले से, बहुत अच्छा है सब कुछ, और मैं प्रार्थना में भी हमेशा एक ही चीज़ मांगती हूँ कि जिनको मैं प्यार करती हूँ चाहे वो मेरे बच्चे हो, मेरी फैमिली हो या मेरे दोस्त हो, वो हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें, क्योंकि आजकल स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है, तो हेल्थ इज़ वेल्थ, एंड प्लीज़ आप उस वजह से जो भी करें
अपने समुद्रों को ख़राब मत करें, अपने प्लैनेट को ख़राब मत करें, प्लास्टिक मत फेंकिए, आप मिट्टी का गणपति लाइए, और जितना कम आप गंदा करेंगे अपने देश को, अपने वातावरण को, उतनी सुखी आपका परिवार आप रहेंगे। तो प्लीज़ मेरी एक विनती है कि आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिए, अपने आसपास जो है उसको क्लीन रखिए। बहुत सारे लोगों ये जानना चाहते हैं कि जब इको फ्रेंडली गणपति लाते हैं तो पोल्यूशन को कैसे फ़ायदा होता है, थोड़ा सा अगर उनको आप बताना चाहें जो ऑडियंस आपको देख रही है। जैसे मैंने आपको बताया, जो ये प्लास्टिसिन के होते हैं, जो POP के होते हैं गणपति, वो आप जब विसर्जन करते हैं, आप उनको इतना सराहते हैं, इतनी इज्जत से, प्यार से आप उनकी पूजा करते हैं, और फिर वही गणपति आप विसर्जन के बाद आप देखेंगे पूरे वॉश होके शोर्स पे आ जाते हैं और पैरों में पड़े रहते हैं। इतने बार मीडिया में भी आप लोगों ने कवर किया है, सब गंदगी के साथ पड़ा रहता है। तो ये सब बातें आप बच्चा जानता है, मेरे बच्चे तो जानते हैं, वो प्लास्टिक कोई देता है उनको तो बोलते हैं हमको प्लास्टिक में नहीं, आप पेपर बैग में दीजिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, और अगर ये हर इंसान करेगा तो ही मुमकिन हो पाएगा कि कुछ आगे हम आसपास कोई फ़ायदा हो। हर जगह बाढ़ें आ रही हैं, मद्रास में पानी ख़त्म हो गया है, चेन्नई में, ये सब मुश्किलें तो हमें ही झेलनी पड़ेंगी अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे और अपने आसपास का ध्यान नहीं रखेंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि आप प्रोफेशनली काफ़ी अच्छा कर रही हैं, छोटे पर्दे पर ऑलरेडी आपकी एंट्री हो चुकी है, बड़े पर्दे पर लोग कब देखने वाले हैं आपको? बिल्कुल अगले साल तक। अभी मैं बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि वो लोग चाह रहे हैं कि खुद अनाउंस करें। तो एक फिल्म का भी फाइनल हो रही है, एंड होपफुली वेरी सून ऑन द बिग स्क्रीन एज वेल, एंड बप्पा की कृपा रहेगी, जो भी आएगा सर आँखों पर बस। और आप वेब सीरीज भी करने वाली है? जी, एक वेब सीरीज भी करने वाली है, बताइए हमारे ऑडियंस है। वो भी एक बहुत बड़ा जो प्रोडक्शन, जो फिल्म्स बनाते हैं, वो वेब सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें बहुत ही मज़ेदार रोल है। मैंने बहुत सारे काम को ना बोला है क्योंकि वेब सीरीज में थोड़ा बोल्ड ज़्यादा होता है, एंड उस वजह से काफ़ी काम छोड़ना पड़ता है, बट लाइक आई सेड, अपने दायरे में रह के अपनी इज्जत के साथ करूँगी, जो भी अच्छा आएगा वो ज़रूर करूँगी। लास्टली एक विश कर दीजिए हमारी ऑडियंस को गणेश चतुर्थी के लिए। गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपना घर, अपना कंपाउंड, अपना स्ट्रीट्स, अपने शहर को, अपनी दुनिया को साफ रखिए प्लीज़। प्लांट ट्रीज, डोंट कट देम, एंड थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।